कांग्रेस नेता और पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में पार्टी संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। दिल्ली में इसी मकसद से उन्होंने एक बैठक की जिसमें पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। इस बैठक में शामिल हुए कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने कहा कि प्रियंका गांधी को प्रभार दिए जाने के बाद से यूपी कांग्रेस में सक्रियता बढ़ी है, जिनसे बात की हमारे सहयोगी अजय झा ने। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। हमारे साथ बात करने के लिए पीएल पुनिया जी हैं। सर, दो ग्रुप में ये बैठक हुई है, मूल रूप से किन मुद्दों पे चर्चा हुई सर? 2022 का इलेक्शन को ध्यान में रखिए चर्चा। देखिए, हमारी राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी, जब से उनको उत्तर प्रदेश का कार्यभार सौंपा गया तब से निरंतर सक्रियता है, चाहे सोनभद्र वाले मामले में हो या वो मेरठ गई। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 3 दिन तक लगातार पूरे दिन रात वो अपने लगा के कार्यकर्ताओं से मिलती रही, जनसंपर्क पूरी तरह से करते हैं। चुनाव हो या आने वाले 2022 का विधानसभा चुनाव हो, उसके मद्देनज़र कांग्रेस संगठन को मजबूत करना और बड़ा फैसला ये कि कांग्रेस पार्टी अब किसी से कोई गठबंधन नहीं, कोई अलायंस नहीं। सबकी राय ये थी कि अलायंस नहीं होना चाहिए और हमें लगा कि हमारी राष्ट्रीय महासचिव भी उस बात से सहमत थे। तो ये अभी उपचुनाव हो रहा, उसमें आप देखिएगा और 2022 की तैयारी है उसके बारे में देखिएगा। तो साफ तौर से पीएल पुनिया जी आज बैठक से आए हैं और कहीं ना कहीं दो बड़े फैसले हुए हैं। एक तो ये कि संगठनात्मक स्तर पर उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में बड़ा बदलाव दिखेगा, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, प्रदेश कमेटी हो या प्रदेश अध्यक्ष हो, वो सब बदले जाएंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि चाहे उपचुनाव हो या आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है, वो कांग्रेस पार्टी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़े, इस बात को लेकर एक आम राय आम सहमति आज की बैठक में हुई है। कैमरामैन रफी के साथ अजय झा, गो न्यूज़ दिल्ली।